रतपुर कॉलोनी पिंजौर की एक महिला की जालंधर पंजाब में मौत हो गई। वह 57 वर्ष की थी। रतपुर कॉलोनी निवासी उनके देवर कुलदीप सिंह ने बताया कि अभी हाल ही में हॉस्पिटल में उनका कोरोना टेस्ट भी करवाया गया था, जिनमें उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और वह पिछले 6 महीने से अस्वस्थ चल रही थी। रतपुर पिंजौर निवासी कुलदीप सिंह ने बताया कि वह पहले भी अस्वस्थ थी और हॉस्पिटल में एडमिट थी, उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उन्होंने बताया कि उनकी भाभी अपने पति के पास पिंजौर में ठीक ठाक जालंधर गई थी, क्योंकि जालंधर में रेलवे विभाग में उनके पति हैं और पिछले 15-20 दिनों से जालंधर में रह रही थी। कुलदीप सिंह ने बताया कि उनकी भाभी की हालत बिगड़ने पर उसे जालंधर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया था, जहां उनका कोरोना टेस्ट भी हुआ था। टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कुलदीप सिंह ने बताया कि हॉस्पिटल की ओर से उनके शव को पंचकूला में लाया गया था, जहां उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।